आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं गोइंग प्लेसेस नामक लेसन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको बोर्ड परीक्षा 2023 से संबंधित चुना हुआ कोर्स प्राप्त हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सेकेंड टाइम सोफी आस्क्ड फॉर एन ऑटोबियोग्राफ फ्रॉम डैनी ही डिड नॉट अगेन हैव। यहाँ पर अब चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए दिया है ए पीस ऑफ पेपर, ऑप्शन बी ए पेन, ऑप्शन सी ए पेंसिल, ऑप्शन डी ए स्केच पेन। तो इसका राइट आंसर है ए पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर लीविंग द बेंच ऑन द पार्क हु डिड सोफी थिंक सी मेट। ऑप्शन इसके दिए गए हैं नीचे, डेनीज पेरेंट्स, बी ऑप्शन है हर ब्रदर, अगला ऑप्शन दिया है सी पे हर पेरेंट्स, और डी ऑप्शन है डैनी कैसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डैनी कैसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोफी हैड ए ट्रूली, सोफी वास्तव में थी, हैड ए ट्रूली। ऑप्शन ए दिया है बिल्ड इमेजिनेशन, बी ऑप्शन दिया है बैड नेचर, सी ऑप्शन दिया है एगोरेंट मैनरिज्म, और डी ऑप्शन दिया है कैजुअल एटीट्यूड। तो यहाँ पर सोफी क्या रखती थी, सोफी वास्तव में उदंड कल्पनाएं किया करती थी, विल्ड इमेजिनेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, सोफी वेंट टू मीट डैनी बाई, सोफी डैनी से मिलने गई थी, कहाँ पर गई थी। तो चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है साइड ऑफ द कैनल, बी ऑप्शन है रिवर बैंक, सी ऑप्शन है स्विमिंग पूल, और डी ऑप्शन है हार्बर। तो इनमें से राइट आंसर है साइड ऑफ द कैनल, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द फादर वाज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट, ऑप्शन चार दे रखे हैं। ए ऑप्शन है डैनी बीइंग सक्सेसफुल, बी ऑप्शन दिया है डैनी बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द टीम एज ही वाज बैड प्लेयर, ऑप्शन सी डैनी स्कोरिंग मैक्सिमम गोल्स, और ऑप्शन डी डैनी बीइंग अवार्डेड ए गोल्ड मेडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डैनी बीइंग सक्सेसफुल। फिर क्वेश्चन नंबर छः में दिया है कि सोफी एंड जियोफ फादर बहन टोल्ड वाई जियोफ दैट सोफी हैड मेट डैनी रिएक्टेड विद। सोफी और जियोफ के पिता, जब उन्हें बताया गया जियोफ के द्वारा कि सोफी डैनी से मिलती है, तो उनका उसके ऊपर क्या रिएक्शन हुआ। तो इसके चार विकल्प दे रखे हैं। फर्स्ट है एंगर, बी ऑप्शन दिया है लाउड स्क्रीम, सी ऑप्शन दिया है एक्सप्रेशन ऑफ डिसबिलीफ, एंड डी ऑप्शन है स्लैप्ड ऑन सोफीज फेस। तो यहाँ पर अविश्वास के जो लक्षण थे उनके चेहरे पर प्रकट हुए थे, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ डिसबिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोफ वर्कड एज, जियोफ काम करता था, जियोफ वर्कड एज, जियोफ ने काम किया था डायरेक्टर इन फिल्म्स, बी ऑप्शन है म्यूजिशियन, सी ऑप्शन दिया है अप्रेंटिस मैकेनिक,
और डी ऑप्शन है एक गार्डनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रेंटिस मैकेनिक। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर, किस देश के लिए डैनी खेला था। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हैं, ए ऑप्शन है नीदरलैंड, बी स्कॉटलैंड, सी स्विट्जरलैंड और डी आयरलैंड। तो नेक्स्ट है आयरलैंड, तो इसमें राइट आंसर है आयरलैंड, यानी कि इसका ऑप्शन डी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज सोफी विजिट टू मीट कैजी इन हर इमेजिनेशन। हाँ, कहाँ पर सोफी कैजी से अपनी कल्पनाओं में मिलने जाती है। ए सेक्रेट प्लेस नियर कैनल, ए फुटबॉल ग्राउंड, इन द मैच, इन ए होटल, इन सेक्रेट प्लेस नियर कैनल। तो इसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए सेक्रेट प्लेस नियर कैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज सी वांट टू बी एन एक्ट्रेस, वह एक अभिनेत्री बनना क्यों चाहती है। चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है टू अर्न मनी, ऑप्शन बी टू बी फेमस, ऑप्शन सी टू बी ए फैशन डिजाइनर और ऑप्शन डी टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी एंड ओपन ए बुटीक लेटर ऑन फेमस फैशन डिजाइनर। तो यही इसका राइट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज जेंसी डी कॉक्स सोफी टू ड्रीम बिग। पहला ऑप्शन दिया है बिकॉज इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ मनी, ऑप्शन बी बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकल, ऑप्शन सी बिकॉज इट इज अनरियलिस्टिक और ऑप्शन डी ऑल दीज। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो सभी सत्य हैं, यानी कि ऑल दीज इसका राइट आंसर डी होगा। व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी, इस कहानी का मुख्य बदलाव वाला बिंदु क्या है, मतलब टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी का टर्निंग पॉइंट क्या है। व्हेन, ऑप्शन ए है व्हेन सी फाइट विद हर ब्रदर, ऑप्शन बी व्हेन हर फादर गेट्स एंग्री, ऑप्शन सी है व्हेन हर ब्रदर रिवील्स हर स्टोरी और ऑप्शन डी व्हेन सी थिंक्स ऑफ मीटिंग डैनी कैजी। तो राइट आंसर ऑफ डी, यानी कि डी वाला जो है वो इसका सही उत्तर है, व्हेन सी थिंक्स ऑफ मीटिंग डैनी कैजी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे गोइंग प्लेसेस नामक पार्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।